नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज एक और नई औषधि खेती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। इस औषधीय पौधे की खेती उत्तर प्रदेश से असम तक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा आदि स्थानों में की जाती है। इसकी गुणवत्ता को देखते हुए इसकी खेती का प्रसार करने की आवश्यकता है। इसके तने, पत्ती, पुष्पक्रम आदि संपूर्ण भागों का दवा में प्रयोग होता है। यह कफ, पित्तनाशक, लीवर के रोगों तथा तेज बुखार में भी लाभकारी होता है तथा ज्वर के बाद की दुर्बलता दूर करता है। डायबिटीज में भी लाभकारी है। इसको गर्म तथा नम, पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। मानसून आने के बाद इसकी काफ़ी वृद्धि होती है। सितंबर के मध्य, जबकि तापमान न ज़्यादा होता है न कम, फूल आने लगते हैं। अच्छी तरह से तैयार हुई क्यारियों में जून के दूसरे पखवाड़े में पौधों की रोपाई करते हैं। रोपाई दोपहर के बाद करनी चाहिए। रोपण के बाद आवश्यक सिंचाई होनी चाहिए। अधिकतम शाक उपज प्राप्त करने हैं तो 90 से 100 दिन बाद जब पत्तियां गिरना प्रारंभ होती है तब कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई सितंबर अक्टूबर में करनी चाहिए जब फूल आना प्रारंभ हो जाए। ऐसे स्थान जहां इस फसल को बेकार की भूमि में, मार्जिनल भूमि पर लगाना हो, उसकी दो कटाई, एक अगस्त में दूसरी नवंबर दिसंबर में ली जा सकती है। संपूर्ण पौधे के ऊपरी भाग को काटकर छाया में सुखाना चाहिए। कटाई के बाद पौधों को 2-3 दिन धूप में और फिर छाया में सुखाना चाहिए। सामग्री को जूट के बोरे में भरकर अंधेरे, हवादार और नम रहित स्थान पर स्टोर कर दें। इसका रेट इस समय 8,000 से 9,000 प्रति क्विंटल है। 1 एकड़ में लगाते हैं तो आपको काफ़ी आमदनी प्राप्त हो सकती है। 1 एकड़ में इसकी पैदावार लगभग 70 से 80 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इस हिसाब से आप लाखों कमा सकते हैं, वो भी 3 महीनों में। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।